दोस्तों अब हम आप बच्चों से बात करेंगे डेड वेट लॉस और टैक्स रेवेन्यू के बारे में। तो बच्चों टैक्स रेवेन्यू का और टैक्स रेट के रिलेशन को समझाने के लिए लेफर ने जो एक डायग्राम बनाया जिसको हम लेफर कर्व के नाम से जानते हैं। ये लेफर कर्व की शेप है। तो किस तरीके से ये कर्व बनता है वो मैं आपको समझाने का इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करूंगा। तो देखिए हम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले लेते हैं। मान लीजिए कि गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और यहां पे हम लिख लेते हैं टैक्स रेट और हम यहां पे लिख लेते हैं टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू तो मान लीजिए गवर्नमेंट जो है वो 0% टैक्स लगाती है तो उस केस में जो टैक्स रेवेन्यू होगा वो जीरो ही होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यानी कि गवर्नमेंट ने 0% लगाया तो टैक्स की रेवेन्यू कुछ होगी ही नहीं। इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट 100% टैक्स लगा दे तो भी आप देखोगे कि 0% ही टैक्स रेवेन्यू होगी। यानी कि अगर सरकार सारा का सारा पैसा ले ले तब हम किसी भी तरीके से काम करेंगे ही नहीं। तो आइडियल टैक्स क्या है, ऑप्टिमम टैक्स क्या है, कौन सा ऐसा रेट है जहां पर टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। अब देखिए भारत की बात करें तो भारत में इनकम टैक्स पे जो मैक्सिमम लिमिट है वो 30% है। जीएसटी का जो मैक्सिमम लिमिट है वो 28% है। हालांकि कुछ केसेस में इनकम टैक्स पे और कई सारे सेस या आप कह सकते हो लगते हैं। इसी तरीके से कुछ कंडीशंस में जो जीएसटी वो 28% को भी क्रॉस कर जाता है, लेकिन हम नॉर्मल बात करें तो 30% आप राउंड फिगर मान के चल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम लिमिट इसलिए बनाई है सरकार ने 30%, क्योंकि सरकार को लगता है कि अगर वो इससे ज़्यादा वसूलेगी तो रेवेन्यू में कमी देखने को मिलेगी। यानी कि हम एक काम करते हैं, हम तीन हाइपोथेटिकल कंडीशन लेके चल रहे हैं। एक कंडीशन हम ये लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए कि हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है, जो टैक्स रेट है, मान लीजिए स्मॉल है 10% का, या यहां पे मैं लिख देता हूं, मान लीजिए एक है हमारा स्मॉल टैक्स, स्मॉल है जो कि 10% का है। एक हम मान के चल रहे हैं मीडियम है जो कि 30% है इनकम का, और एक है टैक्स हाई टैक्स है जिसमें हम इनकम का 75% टैक्स लगा रहे हैं। और हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से केसेस में टैक्स रेट कितना है, डेड वेट लॉस कितना है और टैक्स रेवेन्यू कितनी जनरेट हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस को लेकर चलेंगे बच्चों। तो ये मान लीजिए डिमांड है, ये सप्लाई है, बिल्कुल सिंपल लिख लिया। ये हमारी क्वांटिटी है, ठीक है, और ये मान लीजिए जैसा कि इसने बताया हुआ है यहां पे, चलिए इसने प्राइस नहीं लिया हुआ, कोई बात नहीं, हम भी प्राइस नहीं ले रहे। इसी तरीके से मान लीजिए मीडियम है, बेसिकली ये हमारी क्वांटिटी है, डिमांड है सॉरी, ये सप्लाई है और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसको ए बोल दिया है तो हम भी ए बोल देते हैं। और ये हाई टैक्स के केस में हमने डिमांड सप्लाई ले लिया, ये मान लीजिए डिमांड है, ये सप्लाई है और ये हमारा प्राइस नहीं लेते हम, ये क्वांटिटी है। क्यों? अब मान लीजिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है, यहां पे मात्र टैक्स जो है वो 10% है, यानी कि छोटा सा टैक्स लगाया, ठीक है जी। यहां पे सरकार ने टैक्स लगाया मीडियम साइज का और यहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया। सप्लाई कर को यहां से ले लेते हैं। अब आप देखोगे कि इस केस में जो कंज्यूमर पे करेगा वो प्राइस पे करेगा P0 जबकि प्रोड्यूसर को मिलेगी P1। तो ये जो हिस्सा है BC, ये टैक्स अमाउंट है और ये टैक्स रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, यानी कि गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू है ये वाला और ये हिस्सा जो है वो डेड वेट लॉस है। मैं कलर कर देता हूं इसको रेड से, ये हिस्सा जो है वो डेड वेट लॉस है। इस केस में जो डेड वेट लॉस है वो ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा जो है ये गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू को दिखा रहा है, यानी कि ये दिखा रहा है टैक्स रेवेन्यू।
अगर हम इसको नाम देंगे तो ये बीसी है। इस केस में जो डेड वेट लॉस है, देखिए कितना डेड वेट लॉस हो रहा है, बहुत जबरदस्त डेड वेट लॉस हो रहा है, इस सारा का सारा डेड वेट लॉस है, जबकि टैक्स रेवेन्यू जो है वो इतनी है, ये टैक्स रेवेन्यू है। अगर मैं आप बच्चों को डेड वेट लॉस का डायग्राम बनाऊं, यहां पे मैं लिख देता हूं, डायग्राम बना लेता हूं मैं आप बच्चों के लिए, यहां मैं लिख देता हूं, देखिए जैसे यहां पे बनाया हुआ है ना इस तरीके का डायग्राम, यहां मैं लिख देता हूं टैक्स का साइज और यहां मैं लिख देता हूं टैक्स रेवेन्यू, ये सॉरी डेड वेट लॉस, डेड वेट लॉस। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे टैक्स का साइज बढ़ रहा है 10%, 30% और 75%, तो इस तरीके से हमारा जो डेड वेट लॉस है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। यानी कि इस केस में डेड वेट लॉस कम था, इस वाले केस में डेड वेट लॉस ज्यादा हो गया और इस वाले केस में डेड वेट लॉस बहुत ज्यादा हो गया। तो यह बता रहा है कि जैसे जैसे आप टैक्स का रेट बढ़ा रहे हो डेड वेट लॉस बढ़ रहा है। लेकिन क्या क्वेश्चन डेड टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ रही है, वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि जब हमारा 10% टैक्स था, मान लीजिए ये हमारा टैक्स रेवेन्यू है, जब 30% हुआ तो आप एरिया वाइज देख रहे हो टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया, लेकिन 75% होने पर जो टैक्स रेवेन्यू है वो घट गया। इसका मतलब इस तरीके का आपका डायग्राम बनेगा, इसको बोलते हैं लेफर कर्व। लेफर कर्व हमें बताता है कि अगर आप टैक्स के अमाउंट को बढ़ाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, यानी कि ऑप्टिमम जो होगा टैक्स वो रेट है जहां पर आपको मैक्सिमम अमाउंट में टैक्स रेवेन्यू मिल रहा है। यानी कि अगर कोई देश की सरकार इस ऑप्टिमम लेवल से कम टैक्स वसूल रही है तो सरकार को अपनी टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए, और अगर कोई देश की सरकार इतना बड़ा टैक्स वसूल रही है जिससे कि टैक्स रेवेन्यू में कमी आ रही है तो देश की सरकार को कम टैक्स लगाना चाहिए और ऑप्टिमम लेवल पे आने की प्रयास करना चाहिए। यानी कि ऑप्टिमम लेवल क्या है, जहां पर टैक्स रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम होगी और टैक्स साइज ऑप्टिमम वही कहलाएगा जहां पे टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमम होगी, यही कहलाता है बच्चों लेफर कर्व। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको समझाया कि टैक्स रेवेन्यू का असर, देखिए यहां पे डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे इस वाले केस में आपको टैक्स रेवेन्यू सबसे ज्यादा मिल रही है, इस वाले केस में आपको टैक्स रेवेन्यू सबसे ज्यादा मिल रही है, जबकि इस वाले केस में आपका टैक्स ज्यादा है लेकिन उसके बावजूद भी टैक्स रेवेन्यू काफी कम है। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है जिसको कि हम लेफर कर्व के नाम से भी जानते हैं, या आप कह सकते हो इसको कि डेड वेट लॉस और टैक्स रेवेन्यू में क्या रिलेशन है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।